नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज फिर एक नई कहानी, ज्ञान बढ़ाने वाली बातें लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। गौ माता की कहानी। गौ माता ने बताया कि ये चार काम मनुष्य को हमेशा अकेले में करने चाहिए। ये जो आज की कहानी है, जीवन के कुछ खास सिद्धांतों को बताने वाली कहानी है। इन्हें गौ माता बताती है, जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। गौ माता समय समय पर इंसान को ऐसे ऐसे संदेश देती हैं, जो इंसान इनको समझ जाए तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की महिमा अपरंपार है। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो लोग इनको समझ जाते हैं वो अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने नसीब को बदल कर रख सकते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे गौ माता ने बताई चार महत्वपूर्ण बातें। ये चार बातें हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी घटित जरूर होती है, और जब ये बातें किसी इंसान के जीवन में घटित होती हैं, तब उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता। इतनी खतरनाक ये चार बातें साबित होती है। इसलिए इन चार बातों पर गौर करें, इन्हें ध्यान से सुने और अपने जीवन में इन चार बातों पर अमल जरूर करें। सुखी जीवन का सार बताने वाली ये कहानी है। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला जमींदार लोगों की गायों को चरा कर लाया करता था। वो उन गायों को जंगल में चराता और ग्वाली का जो पैसा मिलता उससे अपना चरितार्थ चलाता, अपने परिवार की देखभाल किया करता था। भोला का रोज का ये काम था। थोड़ी गायें अपनी और कुछ गायें जमींदार लोगों की थी, उनको जंगल में चराने ले जाता। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे तैसे उसका गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने लेकर जाता था, उसी के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफा में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो रोज भोला की गायों में शामिल हो जाती और चरती। सभी गायों के साथ चारा पानी खाने के बाद जब भोला शाम के समय अपनी गायों को घर लेकर जाता, तब रास्ते में वो गाय अलग रास्ता पकड़ लेती थी और अपने स्थान पर चली जाती थी। जब भोला सुबह के समय गायों को जंगल में चराने लेकर जाता था, तब वो गाय कहीं आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज्यादा गायें होने के कारण भोला को पता नहीं चलता था। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था, तब उसने गायों की गिनती की। उसने देखा कि एक गाय उनमें ज्यादा है। भोला ने सोचा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गायों को चराने के मिलते हैं, और यहाँ पर गायें गिनती में 100 आ रही है। भोला शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गायें थी उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गायों के मिलते हैं, लेकिन मैं जो चरा कर लाता हूँ वो पूरी 100 गायें हैं। भोला की इस बात को सुनने के बाद सभी जमींदार लोग कहने लगे कि भोले, तुम हिसाब में कच्चे हो। हमने जो गायें तुम्हें चराने के लिए दे रखी हैं, उन्हीं गायों का पैसा हम तुम्हें देते हैं, ना कम ना ज्यादा। तब भोला ने फिर से गायों की गिनती कर ली। अब उसके पास वही 99 गायें थी। अब भोला सोचने लगा कि जब जंगल में मैंने गिनती की थी उस वक्त पूरी 100 गायें थी, लेकिन यहाँ पर 99 कैसे हो गई? भोला ने सोचा, हो सकता है किसी और की गाय आई हो। भोला दूसरे दिन फिर से गायों को लेकर चला गया। तभी रास्ते से वही साधु की गाय इन गायों में शामिल हो गई। भोला ने जंगल में जाकर फिर से गायों की गिनती की। भोला को पूरी 100 गायें मिली। भोला अब अचंभे में पड़ गया। फिर शाम के समय गांव में वापस पहुंचकर उसने गायों की गिनती कर ली। अब वहां पर उसे 99 गायें मिली। तब भोला ने सोचा कि किसी अन्य की गाय चरने आ जाती है, रास्ते में कहीं पर मेरी गायों में शामिल होकर चरने आती होगी। अब भोला तीसरे रोज एक अन्य व्यक्ति को अपने मित्र को साथ लेकर जंगल चला गया। उसने कहा कि शाम के समय तुम सभी गायों को घर वापस ले आना, मुझे किसी काम से जाना है तो मैं गायों को वापस गांव नहीं ले जा पाऊंगा। जब शाम का समय हुआ, भोला थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। उस दूसरे व्यक्ति के साथ गायों ने घर का रास्ता पकड़ लिया। भोला छुपकर झाड़ियों के आड़ में चलकर गायों पर नजर रख रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। जब गायें आधे रास्ते पर आ गई, तब भोला ने देखा कि झुंड में से एक गाय ने अलग रास्ता पकड़ लिया है, वो दूसरी दिशा में जा रही है। भोला चुपचाप उस गाय का पीछा करता चला गया कि देखे तो सही कि किसकी गाय है। भोला का मित्र उसकी सभी गायों को लेकर घर चला गया।
और भोला उस गाय का पीछा करता हुआ एक पहाड़ की कंदरा में पहुंच गया। वो गाय उस पहाड़ की एक गुफा में चली गई। भोला भी उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ की कंदरा में उस गुफा में घुस गया। वहां छुपकर वो देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर एक साधु तपस्या में लीन हो बैठा था। वो साधना कर रहा था। उसके चेहरे पर बड़ा तेज था। गाय वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और उठकर गाय को बांध दिया। गाय का दूध निकालकर वो अपना भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। भोला वहीं छुपकर सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उस गाय ने गोबर किया। वो सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत जाकर गाय के गोबर को उठा लिया और अपने धन भंडार में रख दिया। भोला इस सारी घटना को छुपकर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भोला उस गाय के पास चला गया और गाय से बोला कि गाय माता, मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ। दिन भर 99 गायों को चराता हूँ। आप भी उसी में आ जाती हो, लेकिन गायों को चराने से पर्याप्त धन नहीं मिलता, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकूं। तब वो गौ माता भोला से कहने लगी कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम गायों को बड़े प्रेम से रखते हो, उन्हें कभी मारते धुतकारते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, उस गोबर को उठाकर तुम अपने घर ले जाना। तब भोले ने कहा कि गौ माता, गोबर से क्या होगा, 99 गायें मेरे पास होती हैं और वो रोज गोबर करती हैं, गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूँ। तब गौ माता बोली कि ग्वाले, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ और मैं जो गोबर देती हूँ वो सोने का होता है। इसे राज ही रखना, इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना। तब भोला ने कहा कि ठीक है गौ माता। थोड़ी देर बाद गौ माता ने गोबर कर दिया। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर लेकर आ गया। घर पर पहुंचकर उसने देखा तो पूरा गोबर सोने का बना हुआ था। अब वो गाय भोला की गायों में मिलकर रोज चरने आती और वहां दिन में एक बार गोबर किया करती। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाता। धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन गया। भोला के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भोले ने सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया। अब वो गाय रोज भोला के घर आती और थोड़ा गोबर देकर चली जाती। भोला एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास सभी सुख साधन मौजूद थे। लेकिन भोला अपनी पत्नी से उस राज को छुपा नहीं पाया। उसने अपने पत्नी को सारी बात बता डाली, क्योंकि वो दिमाग से भी बहुत भोला था। उसका नाम भोला था और वो दिमाग से और स्वभाव से भी बहुत भोला था। अब जैसे ही उसके पास धन आ गया था तो गौ माता ने जो बात उसको बताई थी कि किसी को बताना नहीं है, उस बात को भोला भूल गया और अपनी घरवाली को उसने सारी बातें बता दी। भोला अमीर बन गया था तो धीरे धीरे भोला के अड़ोसी पड़ोसी भोला से जलने लगे। वो सोचने लगे कि भोला इतना मंद बुद्धि है, फिर भी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इसने गायें चराना भी बंद कर दिया है। पहले तो ये गायें चराता था, उससे इसके परिवार का लालन पालन होता था, लेकिन अब तो इसने गायों को चराना भी बंद कर दिया है। दिन भर घर पर रहता है, मजे करता है, और उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे होती जा रही है। कौन सी जादू की छड़ी उसको मिल गई है, भोला के अड़ोसी पड़ोसी यही सोचते। फिर उन्होंने भोला पर नजर रखनी शुरू कर दी, पता करने के लिए कि इसके पास धन आता कहां से है, क्या उसे कोई खजाना मिल गया है। भोला के पड़ोसी उस पर दिन रात नजर रखने लगे। जब भोला रोज गौ माता की पूजा किया करता तब लोग उसको देखा करते थे। भोला जब भी भोजन करता तो सारे लोग उसको देखते। भोला जब भी अपनी पत्नी के साथ रात को विश्राम करता तब भी लोग उसको देखा करते थे। अब भोला की तरक्की लोगों में एक चर्चा का विषय बन गई थी। भोला को जो गाय माता गोबर देती थी, धीरे धीरे उस गाय ने भोला के घर आना बंद कर दिया। भोले को सोने का गोबर देना बंद कर दिया। धीरे धीरे भोले के पास जितना भी धन पड़ा हुआ था वो सब खर्च होते गया। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि भोला बिल्कुल निर्धन हो गया। भोला के पास कुछ भी नहीं बचा। भोला रास्ते पर आ गया। पहले वो जितना गरीब था उससे भी खराब हालत में पहुंच गया। खाने के लाले पड़ गए। भोला एक दिन परेशान होकर उसी गौ माता के पास चला गया। गौ माता के चरणों में पड़कर रोने लगा। गौ माता बोली, भोले तुम मेरी बताई बात भूल गए, धन का तुम्हें नशा चढ़ गया, ये तुम्हारी करनी का फल है। आज मैं तुम्हें एक खास सलाह देती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी चार बातें बताऊंगी, अगर इन बातों को तुम जीवन भर याद करोगे और इन पर अमल करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं पछताओगे। भोला बोला, ठीक है गौ माता, आप मुझे वो बातें बताइए, उनका मैं सख्ती से पालन करूंगा। तब गौ माता कहने लगी कि भोले, ये चार काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में करने चाहिए। पहली बात, जब भी आप भगवान का ध्यान करें, भजन करें, तो हमेशा अकेले में ही करें।
भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका असर ही आपको नहीं मिलेगा, उसका श्रेय देखने वाले लोग ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन जब भी करो अकेले में करो। भगवान की अगर आप कोई साधना करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार की आप भक्ति करते हैं, तो उसे अकेले में करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। गौ माता आगे कहने लगी, दूसरी बात गौर से सुनो, भोजन भी हमेशा अकेले में और पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुलेआम कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप खुलेआम भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा आपके भोजन का अपमान होता है, इसलिए भोजन को भी हमेशा अकेले में करना चाहिए। तीसरी बात, गौ माता कहने लगी कि भोले, ये बड़ी काम की बात है, इसे गौर से सुन लो। गौ माता बोली कि जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वो पर्दे में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुलेआम हम बिस्तर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, इससे ही उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। चौथी और आखिरी बात गौ माता ने बताई, भोले ये सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जीवन में हमेशा याद रखना। गौ माता बोली कि अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपने सीने में दफन रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया अन्य किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा, आपके हाथों से आपका कमाई का जरिया निकल ही जाएगा। हो सकता है आपके कमाई के जरिए पर आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाए, इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। गौ माता ने ये चार बातें भोला को बताई। भोले ने उन चार बातों का सख्ती से पालन किया। फिर गौ माता ने अपना गोबर भोला को देना शुरू कर दिया। अब भोला के फिर से अच्छे दिन आ गए। ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में हमें कभी भी इन चार बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए, इनको हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। जो लोग इन चार बातों को पर्दे में रखते हैं उन लोगों का कभी कोई अहित नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।